फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। अभी सुबह के 7:45 हैं, ड्यूटी की ओर निकल गए हैं। आज तो अभी तक सूरज भगवान नहीं निकले हैं, कुहासा जैसा मौसम किया हुआ है। दो दिन से तो उतना ठंड नहीं था, आज हल्का दो दिन के पीछे थोड़ा ठंड है। ये देखिए गेस्ट हाउस के पास आ गए, यहाँ पर हम बाइक लगाते हैं। आज मौसम ये देखिए कुहासा कुहासा दिख रहा है। ये देखिए और लोग ड्यूटी जाने के लिए सब रेडी होके तैयार हैं, खाना भी टांगा हुआ है। किधर गए बाबा? ये देखिए स्वास्थ्य सर भी रेडी हो रहा है। मॉर्निंग, ये अपना गाड़ी हम निकलेंगे ड्यूटी के लिए। एनिमा आई, क्या नाश्ता बनाया है? बड़ा जल्दी ब्रश कर रहा है। नाश्ता हो गया? चलिए फिर ठीक है, बाइक निकलते हैं और चलते हैं ऑफिस की ओर, फिर मिलते हैं वहाँ पे आपसे। बाथरूम सेफ्टी टैंकी का ब्रिक वर्क पूरा काम हो गया है, अभी चारों तरफ मिट्टी डाला जा रहा है। ये देखिए मिट्टी फिल करा जा रहा है, उधर भी वो मिट्टी फिल कर रहा है। इधर ये लोग सर पे उठा कर लेके, ये देखिए मिट्टी डाला जा रहा है। अब इसका प्लास्टर होगा, मिट्टी डाल देने से चारों तरफ से फिर ये मजबूत हो जाएगा। ये देखिए वो मिट्टी काट के डाल रहा है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है, तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। देखिए ये लोग मिट्टी डाल रहा है, अभी चारों तरफ से मिट्टी डाल के फिर कल से प्लास्टर स्टार्ट होगा। ये देखिए इसमें नीचे से छोड़े हैं, इसमें ये ऊपर से रहेगा। टोटल हाइट लगभग नीचे से 12 फुट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है, 80-100 आदमी रहेंगे, इसलिए बड़ा टंकी बनाना ज़रूरी था और मजबूत भी। ब्रिक वर्क तो टोटल काम होंगे आपको दिखा दिए, अब कल से प्लास्टर होगा इंटरनल पार्ट से, बाहर से तो नहीं होगा। और फिर घोला दिया जाएगा सीमेंट से, क्योंकि कहीं से कोई लीकेज ना करे। ये देखिए सब मिट्टी डाल रहा है, फिर इसका स्लैब डाला जाएगा, वो भी आपको वीडियो दिखाते हैं। ये स्लैब, ऊपर का स्लैब ढालने के लिए प्लेन किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे स्लैब ढलाएगा बाथरूम का, और इधर अभी जेसीबी बुला दे रहे हैं, जेसीबी से मटेरियल आ जाएगा। अब चलिए आपको टाइल लग रहा है, टाइल सारा कुछ आ गया है, वो टाइल का दिखा देते हैं। ये देखिए पानी भर ये टाइल सब आ गया है, ये बाथरूम का, ये सब बाथरूम का है, ये रूम का फ्लोर का काम बाकी था, सारा टाइल अब आ गया है। अब काम अंदर का टाइल का जितना बैलेंस था वो कंप्लीट हो जाएगा। टाइल लग रहा है नया तरह का, हाइलाइटर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लग रहा है, ओह ये भी ठीक ही है। ये देखिए ये यहाँ पे नया तरह का हाइलाइटर, ये प्लेन नहीं रुकड़ा है, थोड़ा ठीक लग रहा है दीपा। ये भी ठीक है, टाइम लगेगा ना, लेकिन यही पानी रुकेगा। ये देखिए एकदम कितना मस्त लग रहा है, वो हाइलाइटर नहीं मिला इसलिए चेंज करना पड़ गया। ठीक है, दीपक लगा रहा है, क्या मंगा रहा है उसका। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, फिटिंग हो जाने के बाद सब कुछ और बहुत जबरदस्त लगेगा। उसी से मिलता है, हाँ उसमें वो प्लेन था और ये लाइटिंग था। हाँ लाइटिंग था,
बल्ब का रोशनी लगने से चमकता होगा, ये मिला थोड़ा सा क्या दिखेगा। अच्छा ये भी अच्छा लग रहा। अब वो हाईलाइटर नहीं मिला तो क्या करोगे। लोग आपस में ही बात कर रहा है मिस्त्री लोग कि कैसे और किस तरह डालना है। हम तो साइज यू सब बता दिए हैं और कितना का थिकनेस चाहिए, लंबाई चाहिए, सब हम बता दिए हैं और वो आपस में ही डिस्कस कर रहा है। ये देखिए पानी दिया जा रहा है, अभी उसको ऊपर वाला डालेगा। ये देखिए मसाला बन के रेडी है। ईटा का ब्रिक वर्क तो पूरा कंप्लीट हो गया है। ऊपर का 2 इंची का हम PCC करवा रहे हैं क्योंकि एक लेवल जैसा होगा, स्लैब रखने में मजबूती भी होगा और अच्छा भी रहेगा और एक लेवल भी हो जाएगा, इसीलिए लोग पटरा बिछा के रखा हुआ है। ये देखिए मसाला लेके आ रहे हैं, वो 2 इंची का सिलाई होगा PCC। उधर ये देखिए स्लैब के लिए नीचे बालू दिया जा रहा है, एक लेवल किया जा रहा है, नहीं तो स्लैब टूट जाएगा। वो देखिए हाँ, इधर ये देखिए इधर 2 इंच का ढलाई चल रहा है और उधर ये देखिए JCB को बुला लिए हैं, नहीं तो मैनुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फालतू का टाइम बर्बाद। यहाँ पे JCB जब अवेलेबल है तो क्यों टाइम बर्बाद करना। ये देखिए इधर ऊपर का ढलाई हो रहा है 2 इंची PCC। इधर JCB से सब गड्ढा को फिलअप करवा लेते हैं। ये देखिए JCB से कितना जल्दी में इतना काम हो गया। इधर ही अपना देखिए PCC का काम चल रहा है ऊपर। इतना सारा मट्टी को भी टिल लिया गया है JCB पूरा। इधर ही अपना इतना PCC भी हो गया है, चलते हैं। लंच टाइम हो गया, अभी लोग भी जाएंगे खाना खाने के लिए और हम भी चलते हैं खाना खाने के लिए। फिर आके दिखाते हैं, 1 से 2 लंच टाइम होता है, फिर आकर आपको दिखाते हैं कि देखिए उतना थोड़ा सा मसाला ये लोग ख़त्म करके निकलेंगे, फिर आके आपको दिखाते हैं कि कितना काम हो गया है। अब चलते हैं खाना खाने। JCB से कितना जल्दी काम हो गया, एक तरफ का मिट्टी पूरा फिल हो गया है। ये देखिए कितना सारा यहाँ पर मिट्टी था, बस अब इतना ही मिट्टी है। ये देखिए इतना PCC का यह काम भी हो चुका, इतना एक दीवार का पूरा। ये देखिए उधर जो कितना बड़ा चट्टान निकला था यहीं पे रखा हुआ है, उसको गड्ढा करके यहीं पे कहीं पे नीचे दबा देना होगा क्योंकि वो कहीं इतना बड़ा चट्टान है कि कहीं जा नहीं पाएगा। साइड मिट्टी JCB वाला दे देगा और उसके बाद फिर मैनुअली उसको फिल कर लिया जाएगा और पानी से पटा देने से वो नीचे बैठ जाएगा। JCB वाला अभी थोड़ी देर पहले दीवार तोड़ देता बच गया, हल्का टच हुआ था, कुछ हुआ नहीं क्योंकि 9 इंची का दीवार है, मजबूती से बनाया हुआ है, टूटते टूटते बच गया। वो ड्राइवर देख नहीं पाया, एक आदमी चिल्लाया तो फिर उसको छुट्टी के समय शाम का हो गया है। उधर भी मट्टी भराई हो गया, इधर भी मट्टी भर लिया गया है, बस इधर वाला बाकी है। ऊपर जो ये देखिए 2 इंची का PCC ये भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इधर भी पूरा मट्टी भर लिया गया है, अभी लोग थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद ही लोग 5 बजे छुट्टी कर लेंगे। बस थोड़ी देर में लोग छुट्टी करेंगे, थोड़ा सा काम बाकी है वही लोग कर रहे हैं। अब कल से प्लास्टर का काम चालू हो जाएगा अंदर में। ये देखिए
इधर से ये आउटलेट है और उधर से इनलेट है। अब हम भी निकलते हैं, ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया 8 से 5। अब चलते हैं रूम पे और वीडियो को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। कल का काम दिखाते हैं, कल कितना प्रोग्रेस होता है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।